नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा और इस चैनल पर हम बात करते हैं आंखों और आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में। सुंदर आंखें एक खूबसूरती का पैमाना माना जाता है, लेकिन अगर इन्हीं आंखों के चारों तरफ आपके काले घेरे हो गए हों या फिर अगर काले गड्ढे हो गए हों तो वो इंसान को बहुत ज्यादा हीन भावना से ग्रसित कर देता है। लोग अपनी सुंदरता को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कई सारे डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, बहुत सारी डी पिगमेंटिंग या फिर स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार आंखों का कुछ घरेलू उपाय भी करते हैं और बहुत सारे केसेस में लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आंखों के चारों तरफ काले घेरे क्यों बनते हैं और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि ये जो आंखों के जो चारों तरफ ये जो काले घेरे हैं या जो काले गड्ढे हैं ये बनते क्यों हैं। इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपके सिबलिंग्स में अगर किसी को आंखों के चारों तरफ काले घेरे हैं तो वो आप में होने में उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा एग्जिमा या फिर एलर्जी होने पर हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और इसकी वजह से हम आंखों को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं और इस रगड़ने की वजह से यहाँ का जो पिगमेंटेशन होता है वो बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए पिगमेंटेशन की वजह से आंखों के चारों तरफ काले घेरों का या काले गड्ढे का एहसास होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप रात में जागते हैं या फिर आप देर रात से अगर सोते हैं तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो खून की नसें होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और इस डायलेशन की वजह से या जो खून की नसों के फैलाव की वजह से भी वहाँ की स्किन थोड़ी नीली हो जाती है और काले घेरे या काले गड्ढे का एहसास देती है। जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, जिनका सन एक्सपोजर का जो टाइम है बहुत ज़्यादा होता है, जिनका काम बहुत ज़्यादा धूल का होता है और अगर वो बाहर जाते हैं तो वो अपनी आँखों को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उन लोगों में भी ये काले घेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ जब यहाँ की जो स्किन होती है वो लटकने लगती है, वहाँ पर झुर्रियाँ या फिर रिंकल्स पड़ने लगते हैं तो भी काले घेरे बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे आंखों के चारों तरफ के डार्क सर्कल्स को बढ़ाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाने से पहले मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे आप ये आंखों के चारों तरफ के जो काले घेरे या जो काले गड्ढे हैं इनको कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें। दिन में 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। खूब सारा पानी पिए, 6 से 8 गिलास का पानी आपको पूरे दिन में ज़रूर पीना चाहिए। आप अपनी आंखों के ऊपर कुकुम्बर रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं, टी बैग रख सकते हैं। टी बैग का एक खास उपयोग इस वजह से होता है क्योंकि उसमें कैफीन होती है और ये जो कैफीन होती है ये हमारी आंखों के नीचे की जो डायलेटेड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कराती है, मतलब उनको सिकोड़ती है और उसकी वजह से जो नीलेपन का जो एहसास होता है वो कम हो जाता है और मरीज को लगता है कि जो हमारी जो आंखों के जो काले गड्ढे हैं वो कम हो गए हैं। और कैफीन की या टी की जो अच्छी बात क्या होती है कि इसका ये जो कैफीन कंपोनेंट होता है ये स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर सुबह उठकर आपको आंखों के नीचे सूजन आती है, ऐसा लगता है कि आप फ्रेश नहीं लग रहे हैं या फिर अभी नींद आपकी पूरी नहीं हुई है तो आप रात में सोते समय ज़्यादा तकिए लगा के सो सकते हैं। 2 या 3 तकिए अगर आप अपना सर के नीचे लगाएंगे तो आंखों के नीचे जो सूजन आने की समस्या है ये कम हो जाती है। उसके अलावा सुबह उठकर आप आंखों के नीचे ऐसे मसाज कर सकते हैं, आप उंगलियों से भी कर सकते हैं या फिर आप एक चम्मच को 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, उसको ठंडा कर लें और उस चम्मच से भी इसका मसाज कर सकते हैं। उसकी वजह से जो पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है वो निकल जाता है। अब आते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर। मोस्ट कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं या आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वो लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि जो लाइटनिंग क्रीम्स हैं उसमें विटामिन सी हो, रिसोर्सिनॉल हो, हाइड्रोक्विनोन हो, क्योंकि ये सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्किन के जो पिगमेंटेशन है उसको कम करते हैं। कुछ केमिकल पील्स भी चले हैं, लेकिन केमिकल पील्स का इस्तेमाल करने से पहले या करवाने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। उसके अलावा लेज़र्स भी होते हैं और जो सबसे कॉमन लेज़र चला है स्किन आँखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स को कम करने का वो होता है हमारा क्यू स्विच लेज़र।
ये जो क्यू स्विच लेजर होता है, ये जो मिलेनिन नाम का जो पिगमेंट होता है जो हमारे आंखों को काला रंग देता है, ये उस पिगमेंट को तोड़ता है और इसकी वजह से जो आंखों के चारों तरफ के जो काले गड्ढे होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि सर्जरी के लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कभी कभी जो आंखों के जो काले घेरे या जो काले गड्ढे होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो थोड़ी अंदर की तरफ होती हैं, या फिर जो हमारा सॉकेट होता है जिसमें आंख बैठी हुई होती है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर काले घेरे नहीं होते हैं, वो एक वो हम पर गड्ढे होते हैं जो हमें काले घेरे का एहसास देते हैं। तो इन गड्ढों को समतल करने के लिए वहां पर कुछ फिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये फिलर्स अधिकतर हाइलुरोनिक एसिड के बने होते हैं, लेकिन इन फिलर्स को यहाँ पर इंजेक्ट करवाने के लिए आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाएं। अगर आप ये किसी भी ऐसे नॉर्मल जगह पर करवा लेंगे तो हो सकता है ये फायदे से ज्यादा आपको नुकसान दे। और जो लास्ट ट्रीटमेंट जो अवेलेबल होता है वो अगर आंखों के नीचे यहाँ पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, स्किन बहुत ज्यादा आपकी सिकुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा आपकी झुर्रियां पड़ी हैं, तो जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है दैट इज ब्लेफेरोप्लास्टी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जहाँ पर ये वाली जो स्किन होती है, जो झुर्रियां होती है, उसको ठीक किया जाता है। तो ये तो थी जानकारी डार्क सर्किल्स और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।